भारत समेत पूरी दुनिया में डायबिटीज के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक डायबिटीज के इलाज के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नई दवाइयों की खोज हो रही है, तो दूसरी ओर डायबिटीज रोगियों की डाइट को लेकर भी एक रिसर्च की गई है। ये रिसर्च बताती है कि सिर्फ डाइट का सही चुनाव डायबिटीज रोगियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। भारत में डायबिटीज एक तरह की महामारी बन चुकी है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज यानी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डायबिटीज के शिकार हैं। आखिर डायबिटीज की चुनौती से कैसे निपटा जाए? क्या सिर्फ दवाएं कारगर हो सकती हैं? डायबिटीज के मरीज को ये तो बताया जाता है कि उसे क्या नहीं खाना है, लेकिन उसकी डाइट क्या हो इस बारे में अक्सर खामोशी बरती जाती है। और इसी पर एक लंबी रिसर्च की है अमेरिका में न्यूयॉर्क के वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज की रिसर्चर डॉक्टर अल्पना शुक्ला ने। उनकी रिसर्च डायबिटीज रोगियों की डाइट पर नई लकीर खींचती है। अक्सर जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो उनको सलाह दिया जाता है कि कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। आलू नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, चावल नहीं खाओ, केला नहीं खाओ, इस बातों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होता है। लेकिन खाने का क्या तरीका होना चाहिए ताकि शुगर न बढ़े, इसके ऊपर हमने काफ़ी विचार किया है। डॉक्टर अल्पना शुक्ला की रिसर्च में डायबिटीज पेशेंट्स की ना सिर्फ डाइट बल्कि उसे लेने के क्रम को भी जांचा गया। रिसर्च में डायबिटीज मरीज को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यानी ब्रेड, रोटी जैसे आहार दिए गए। इसके बाद फैट और प्रोटीन वाले आहार दिए गए, लेकिन इससे मरीज के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया। लेकिन जब आहार का क्रम बदला गया, यानी पहले प्रोटीन, फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, तो शरीर में शुगर का लेवल नियंत्रित रहा। आज आपको दिखाते हैं कि आपकी थाली में क्या कुछ वो हो जो आपकी बीमारी से आपके स्वाद को अलग ना करता हो, लेकिन आपकी बीमारी के दौरान आपकी शुगर को कंट्रोल भी कर पाएगा। जिस सीक्वेंस से खाना खाया जाता है उससे शुगर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि खाने में जो चीज़ें होती उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि वेस्टर्न डाइट में ब्रेड, अक्सर ब्रेड होता है या पास्ता होता है। हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट का मतलब रोटी है या चावल है, इनको ब्रेड, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फिर प्रोटीन होता है, अपने यहाँ भी जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो उनमें वो लोग चिकन फिश या फिर दाल या फिर चना है, राजमा है, ये सभी चीज़ें, पनीर है, ये प्रोटीन की चीज़ें हैं। अगर खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुरू में खाने के बजाय अंत में हम खाते हैं तो शुगर जो है, शुगर के ऊपर बहुत कम असर होता है और शुगर एकदम स्टेडी रहता है। जाहिर है कि डायबिटीज के रोगियों के खाने की थाली उतनी ही अहमियत रखती है जितनी उसकी रोकथाम के लिए ली जाने वाली दवाएं। बहुत ज़रूरी है, बिना खाली दवा से कुछ से नहीं। अगर ये इस तरह का, ये जो बताई है अल्पना शुक्ला, वो आप कायम रखें खाने में किस तरीके से खाना है, तो निश्चित रूप से जो है वो बिल्कुल ठीक रखेगा। डायबिटीज़ के खिलाफ लड़ाई के लिए एक नई सोच की ज़रूरत है। एक छोटा सा बदलाव बड़े काम का साबित हो सकता है। सिर्फ खाने की थाली में फेरबदल रोगियों को भविष्य में होने वाले बड़े खतरों से बचा सकती है। मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।